In the previous lecture, we talked about which two scientific arrangements. The first one is the Daubernier and the second one is the Newland-Octave rule. So, as I told you in the previous lecture, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरह से अरेंजमेंट की थी, राइट? तो अपनी अपनी तरफ से जो भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उन लोगों ने किया था उस टाइम पे वो सही थे. लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने डॉबरनियर में देखा, हमने न्यूलैंड में देखा कि जैसे जैसे नए एलिमेंट फाइंड होते गए, वैसे वैसे उनका जो क्लासिफिकेशन था, उनकी जो अरेंजमेंट थी, वो फेल होते गई, राइट? तो अब तक हमने क्या देखा था कि न्यूलैंड जो था और डॉबरनियर जो था, डॉबरनियर ने अपने आप में क्या किया था कि पहले जैसे जिसकी साइज बड़ी होगी उसको पहले, छोटी होगी उसको पहले रखा. तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास. उन्होंने बताया नहीं था ऐसा एटॉमिक मास, लेकिन उन्होंने वही कॉन्सेप्ट यूज किया था कि जैसे छोटे एटॉमिक मास वाले पहले रख लिए, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद उससे बड़े, उस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट बनाई. और अरेंजमेंट बनाने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, ट्राइब्स बना लिए. और ट्राइब्स बनाए तो ट्राइब्स में भी हमने देखा कि उन्होंने जो दिया था ट्राइब्स, उनके लिए वो बिल्कुल सही थे, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट दैट टाइम. कि उस टाइम पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट थे उनको ट्राइब्स बना के वो जो हम यूज करते हैं उनका एम, तो वो सही नहीं थे, राइट? दूसरा हमने देखा था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के बारे में. तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के बारे में भी हमने देखा था कि पहले उन्होंने क्या बताया कि एक तो पहली चीज बहुत ही अच्छी उन्होंने की थी, वो थी कि उन्होंने बताया कि मैं जो अरेंजमेंट कर रहा हूं वो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर से. एंड ही ऑब्जर्व आफ्टर सम इंटरवल द सेम प्रॉपर्टीज विल कम अगेन. तो उन्होंने क्या किया, जैसे म्यूजिक में सेवन नोट्स होते हैं उस तरह से उन्होंने किया कि फर्स्ट एलिमेंट एंड एट एलिमेंट हैव द सेम पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी मीन्स क्या होगा कि उसका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम निकलेगा. और उन्होंने बताया वो एग्जैक्टली उनके टेबल के बराबर था, लेकिन वो सही थे बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस. तो क्या हो गया कि जैसे इनर्ट गैसेस फाइंड हो गए, वैसे ही उनका पहला और आठवां जो एलिमेंट था वो क्या हो गया, उसके बीच में एक और एलिमेंट आ गया. भैया अभी तो वो वन से लेके एट तक की वजह वन से नाइन हो गया, तो यहां पर वो भी फेल हो गए, राइट? और उसी को आगे बढ़ाते हुए जो एक हमारे ग्रेट साइंटिस्ट माने जाते हैं, किसके लिए, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, राइट? तो उसका नाम है डिमिट्री मेंडेलीव. तो डिमिट्री मेंडेलीव के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो इतना पढ़ते थे कि उनको सपने आने लग गए थे कि ये पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऐसे अरेंज करूंगा, पीरियडिक क्लासिफिकेशन को ऐसे, एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, राइट? तो ऐसे सपने कब आते हैं, जब हम दिन रात किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं, तभी हमें सोते सोते या फिर हम कुछ काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर आप पूरा टाइम इसमें निकाल रहे हो तो सपने भी इसी के आएंगे. तो डिमिट्री मेंडेलीव के बारे में एक मैगजीन में उनका इंटरव्यू कुछ आया था, उनकी स्टोरी. तो उन्होंने ऐसा बताया था कि मुझे जो क्लासिफिकेशन जो मैंने अरेंजमेंट की थी, राइट, जो पीरियोडिक एलिमेंट्स जो थे उसकी अरेंजमेंट मैंने की थी, वो मुझे ड्रीम में आया था. क्या बोला था उन्होंने कि मुझे ड्रीम में आया था. अरे अब ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि किसी को ड्रीम में आया और वो सही हो गया. ऐसे सपने कब आ सकते हैं, जब आप इसके पीछे दिन रात लगे रहते हो, राइट? तो यही चीजें मेंडेलीव को ड्रीम में आई. तो जैसे ही उसको ड्रीम में आया, सुबह उठ के उन्होंने क्या किया, पहला काम हम लोग क्या करते हैं सुबह उठ के, पहले मोबाइल में देखते हैं किसी का मैसेज आया है कि नहीं आया, फेसबुक पे मुझे कितनी लाइक्स मिली है, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, वॉट एवर, राइट? ये सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन जो ग्रेट लोग, ग्रेट पीपल जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते. तो उन्होंने पहले क्या किया, सुबह उठ के पहले जो अपने वो प्लेइंग कार्ड रहे ना, ताश के पत्ते, उसके ऊपर उन्होंने एलिमेंट्स को लिखना स्टार्ट कर दिया, राइट? एंड ही यूज द एटॉमिक मास. उन्होंने भी यही फॉर्मूला यूज किया कि भाई जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, वैसे वैसे मैं एलिमेंट को अरेंज करता जाऊंगा. बट ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एज न्यूलैंड से दैट आफ्टर फिक्स इंटरवल क्या होगा कि प्रॉपर्टी सेम होगी. किसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, तो जो भी एलिमेंट होगा जो पहले नंबर पे है, और आफ्टर सम टाइम एक और एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज पहले नंबर वाले एलिमेंट के साथ
बिल्कुल मैच करेगी, यानी कि उसकी पीरियोडिसिटी विल बी सेम आफ्टर फिक्स इंटरवल, राइट। सो मेंडेलीव ने यही सारे चीज को ध्यान में रखते हुए एक टेबल बनाया, और उस टाइम पे उस टाइम पे ये उसका जो टेबल था वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस हो गया, राइट। क्योंकि उन्होंने सबसे जरूरी चीज क्या की थी, जैसे न्यूलैंड में हमने देखा कि न्यूलैंड जो थे वो हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाए थे। डॉबर्नियर में भी हमने देखा कि वो भी हायर एलिमेंट जो थे, हायर एटॉमिक मास वाले, उनको वो अरेंज करना डॉबर्नियर जो उनका ट्राइब था उनमें देना भूल गए, वो उसके अकॉर्डिंग वो सही नहीं थे। लेकिन डिमिट्री मेंडेलीव के बारे में उसे ग्रेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ही अरेंज ऑल 63 एलिमेंट विच वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम, यानी कि जितने एलिमेंट्स यानी कि नॉन एलिमेंट थे, तो उस टाइम पे 63 नॉन एलिमेंट्स थे, और वो सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया टेबल फॉर्म में, राइट। और टेबल फॉर्म में भी उन्होंने अरेंज किया, राइट। तो टेबल फॉर्म में हमें क्या रहता है, इजी क्या रहता है कि हम इसे इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, राइट। तो ये सबसे बढ़िया चीज थी। तो उन्होंने जो 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो कुछ इस तरह से था। नाउ यू कैन सी हियर देयर आर सम वर्टिकल थिंग्स आर हियर, 8 वर्टिकल थिंग्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस आर देयर, राइट। यू आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग हियर देयर आर टू ग्रुप A and B, right? So what whatever the vertical line is there, it is known as a group. आपको लिखना हो तो लिख लीजिए आपकी नोटबुक में, राइट। जो भी नोट लिखना हो रफली लिख लीजिए, बाद में करेक्ट कर लेना, राइट। तो उन्होंने बताया कि भैया ये जो भी वर्टिकल लाइन्स है, इसे कॉलम है, इसे हम बोलेंगे ग्रुप, राइट। और जो भी उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, रोज है, उसे पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीरियड। तो उनका जो टेबल था वो 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड से डिवाइड था। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड। अब सबसे जरूरी चीज ये भी है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सारे के सारे ग्रुप है एक्सेप्ट नंबर 8। ऑल ग्रुप आर डिवाइड इंटू 2 सब ग्रुप, दैट इज ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी चीज, जैसे डॉबर्नियर ने ट्राइब्स बनाया था तो उन्होंने क्या बताया था कि पहला और तीसरा जो एलिमेंट है उनका एवरेज जो निकलेगा वो सेकंड नंबर का एलिमेंट होगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पीरियोडिक लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक लो। तो यहां पे भी मेंडेलीव ने भी एक पीरियोडिक लो दिया है। तो क्या है उसका लो? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मासेस। क्या बोला उन्होंने? मैं यहां पे उसको बाद में डिलीट कर दूंगा, राइट। उन्होंने क्या बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन। ये वर्ड जो है आप अभी लिख के रखे, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, ऑफ इट्स एटॉमिक मास, ऑफ इट एटॉमिक मास। क्या बताया उन्होंने कि ये सारे जो एलिमेंट्स जो मैंने अरेंज किए हैं उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किसके अकॉर्डिंग है? एटॉमिक मास से अकॉर्डिंग है, राइट। तो एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड करते हैं? तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, तो मिल जाता है हमें एटॉमिक मास, राइट। तो हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके एटॉमिक मास निकाला था, राइट। तो एटॉमिक मास क्या डिफाइन करता है? एटॉमिक मास कैसे हम वैलेंस डिफाइन कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो फाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मान लो कि मैंने नंबर 3 लिया है, राइट, नंबर 3 वाला कॉलम लिया है, तो उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि बेरिलियम एल्यूमिनियम है, तो बेरिलियम का अगर आप वैलेंस निकालोगे तो वो निकलेगा +3, एल्यूमिनियम का भी +3 निकलेगा, यानी कि आफ्टर सम इंटरवल all the properties, whatever the numbers of elements present in same group, they belongs to the same kind of physical and chemical properties. ऐसा मेंडेलीव ने बताया उनके periodic law. Got my point? Yes or no? मेंडेलीव ने क्या बताया कि जिस तरह से उन्होंने atomic mass से arrangement की, right? So आप देखोगे जैसे हाइड्रोजन है,
बाद में कुछ नहीं है, राइट? फिर लिथियम है, लिथियम से ज्यादा होगा, बेरिलियम का बेरिलियम से ज्यादा होगा, बोरन का बोरन से ज्यादा होगा, कार्बन का कार्बन से, नाइट्रोजन का, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स पीरियोडिक लो। उन्होंने जो बताया उस पीरियोडिक लो के हिसाब से जो एटॉमिक मास होगा एलिमेंट का वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। ऐसा नहीं, उन्होंने उनके पीरियोडिक लो पे से हम बता सकते हैं कि जो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, होना चाहिए बोल रहा हूँ, राइट? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे उस टाइम पे, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। तो सबसे पहले उन्होंने जो वर्टिकल कॉलम थे उनको क्या बोला गया, ग्रुप बोला गया, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उनको क्या बोला गया, पीरियड। सो टोटल 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो आप ध्यान से देखो। देखो जैसे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर मैंने ऐसे लाइन की है, राइट? यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, राइट? ये सारी चीजें एक बार ऑब्जर्व कर लो कि मैंने क्या क्या यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट? तो इसके ऊपर से हम इसके मैरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे, राइट? तो देखिए सर, मेंडेलीव तो किसी और कंट्री से बिलोंग करता था, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि यही लैंग्वेज में दिया होगा, राइट? सो दिस पीरियोडिक टेबल इज एडिटेड। एडिटेड मीन्स व्हाट, कि इसे बनाया गया है वापस से, क्योंकि हम जानते हैं कि मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो ताश के पत्ते के ऊपर बनाया था। और हाँ, एक चीज, मे बी लैंग्वेज वॉज डिफरेंट, ये लैंग्वेज में होगा ऐसा नहीं है, उस टाइम पे उन्होंने जहां पे बनाया था उसकी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट थी, बस सन हमने यहाँ पे लिखा है वही चीज उन्होंने ताश के पत्ते के ऊपर थी। चलिए, तो अभी जैसे मैंने बहुत सारी चीजें उसकी बताई, अब बात करते हैं इसके फीचर्स क्या है। तो फीचर्स में सबसे पहली चीज की आप देख सकते हो कि 1 to 8 ग्रुप है, ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, राइट? सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट ग्रुप जो है ए और बी में डिवाइड, तो 1 to 7 तक को ए और बी में डिवाइड किया गया। दूसरा मेन फीचर है जिसकी हम बात कर सकते हैं कि जैसे कि सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड है, तो ए में जो एलिमेंट होगा, ए ग्रुप वाला एलिमेंट, इट बिलोंग टू द सेम वैलेंस, राइट? और एल्स यू कैन से इट बिलोंग टू द सेम पीरियोडिसिटी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ग्रुप नंबर 1, तो हाइड्रोजन का कितना आएगा, 1 आएगा, राइट? लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है सेम वैलेंसी होगी, इसीलिए तो एक ग्रुप में है, राइट? तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था कि आफ्टर सम फिक्स्ड इंटरवल द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट विल बी रिपीट, यानी कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो रिपीट होगी। तो हम देख सकते हैं लिथियम के बाद आगे बढ़ते जाएंगे, कार्बन की 4 होगी, नाइट्रोजन की अगेन 3, राइट? ऑक्सीजन की 2, फ्लोरिन की 1, राइट? वापस से यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसकी 0 होगी, इसीलिए ये जो है ब्लैंक है, ये वाला ब्लैंक है, राइट? तो इसके बाद वापस से कौन सी प्रॉपर्टीज आएगी, 1 आएगी। अब आप बोलोगे कि सर फ्लोरिन की भी 1 है, सोडियम की भी 1 है, तो दोनों सेम ग्रुप में क्यों नहीं आया, राइट? बट हमने क्या बोला कि फिजिकल एंड प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम आफ्टर सम फिक्स इंटरवल। तो अभी लिथियम की 1 है और फ्लोरिन की भी 1 है और सोडियम, बट उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम आएगी उसको सेम सब ग्रुप में रखा गया। और सबसे जरूरी चीज जो उन्होंने दी थी कि वट एवर डी लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल ऑल आर मेटल, यानी कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल रो में जब आगे बढ़ते हैं, तो देखो जैसे फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, तो सोडियम हो जाएगा हमारा मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्युमिनियम मेटल, सिलिकॉन मेटलॉइड, राइट? फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि जैसे भी हम लेफ्ट से राइट तक बढ़ेंगे, दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड द प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। लेफ्ट हैंड साइड सारे मेटल्स है और राइट हैंड साइड पूरे नॉन मेटल्स, और बीच में जो है कुछ कुछ मेटलॉइड भी है। तो ये हो गए इसके फीचर, राइट? अब बात करते हैं मेंडेलीव के मेरिट्स के बारे में, या राइट? तो हम बात करते हैं उसके मेरिट्स क्या क्या थे। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, मैं जहां पे लिख रहा हूं वो, अगर हम सबसे पहले उसका जो मेरिट्स है यानी कि एडवांटेज है
अगर इसकी बात की जाए तो जैसे कि हम यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ ऑल एलिमेंट इज द फर्स्ट एडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज हम क्या लिख सकते हैं? ग्रुपिंग ऑफ ऑल नोन एलिमेंट, यानी कि जितने भी उस टाइम पे फाइंड हुए थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स को उन्होंने क्या कर दिया? ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, और वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा किया था। तो ये हो गई हमारी पहली उसकी मेरिट, यानी कि पहला एडवांटेज। अब आप पीरियोडिक टेबल में कहीं पे आप लाइन देख रहे होंगे, राइट? तो यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे मैंने लाइन किया, यहां पे लाइन कर दिया, यहां पे लाइन कर दिया, राइट? तो ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि मेंडेलेव को ऐसे ही ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बताया गया है, राइट? मेंडेलेव को इसलिए ग्रेट साइंटिस्ट बताया गया है क्योंकि उन्होंने ऐसा पीरियोडिक टेबल हमें दिया था, राइट? तो दूसरी एडवांटेज ये थी कि लेफ्ट सम स्पेस फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट, जो हमने न्यूलैंड में नहीं देखा था। न्यूलैंड में क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस उन्होंने बताई नहीं थी उनके टेबल में। अगर वो बता दे बोलते एवरी फर्स्ट एंड नाइन्थ एलिमेंट हैव द सेम पीरियडिक प्रॉपर्टीज, राइट? बट उन्होंने ऐसा नहीं बताया था। बस मेंडेलीव ने देखा कि जैसे मैंने बोरन एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के नीचे, मान लो कि ये मेरा बोरन, उसके नीचे एल्यूमिनियम, उसके नीचे ऐसा कोई एलिमेंट जो उन्होंने लिखा था इंडियम लिखा था, राइट? तो एल्यूमिनियम और इंडियम के बीच में, राइट, और इंडियम के बीच में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टी दोनों से डिफरेंट है। ये मेंडेलीव बता रहे थे कि उन्होंने क्या इसीलिए उन्होंने क्या किया कि he left some space for undiscovered element। उन्होंने क्या किया कि जो undiscovered element थे उनके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ी, राइट? क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि वो जो ऑब्जर्व कर रहे थे, जो ग्रुप में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एल्यूमिनियम के बाद जो एटम होगा, राइट, और उसके बाद जो एटम हमें मिल रहा है, मान लो कि यहां पे सिलिकॉन और स्ट्रोंथियम है, तो सिलिकॉन और स्ट्रोंथियम में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ गया। उनके जो एटॉमिक मास थे उनमें बहुत डिफरेंस आ गया। मान लो कि हमारा सिलिकॉन है अभी, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का वन है, तो दूसरा जो हमें उसके बाद मिला स्ट्रोंथियम, उसमें मान लो डायरेक्ट 24 40 50 इतना डिफरेंस आ गया। दैट मीन्स इट इज अ बिग डिफरेंस, यानी कि इसके बीच में भी कोई एक एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टीज इससे बिलोंग करती होगी। तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दी, राइट? वो हो गया हमारा सेकंड एडवांटेज, ही लेफ्ट सम स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, राइट? और तीसरी बात करें, मैं अभी लिख नहीं रहा, जगह नहीं है, राइट? तो आप लिख लीजिए अपने टेक्स्ट नोटबुक के अंदर मैं जो बोल रहा हूँ, राइट, या फिर आप वापस से सुन लेना, राइट? तीसरा जो उसका एडवांटेज था कि उन्होंने जो स्पेस छोड़ी थी एलिमेंट के लिए, उनका उन्होंने नेमिंग दे दिया। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम के नीचे जो था उसको नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम, राइट? क्यों नाम दिया था ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, उनका नाम दिया एका एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के नीचे जो था उसको दिया एका सिलिकॉन, राइट? क्या दिया? एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। अब जैसे बात करता हूं, जैसे हमारा देश जो है भारत, वो बहुत ही फेमस है संस्कृत लैंग्वेज के लिए, राइट? क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो भी ऋषि मुनि थे, वो जो भी पढ़ते थे, जो भी लिखते थे, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखते थे, राइट? तो ये जो हमारा साइंटिस्ट था मेंडेलीव, उसका भी एक फ्रेंड था जो इंडियन था और वो संस्कृत से बिलोंग करता था, वो संस्कृत में मास्टर था, व्हाटएवर, राइट? तो उनसे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने उसका नाम एका दिया। तो एका का मीनिंग क्या होता है? वन होता है, राइट? तो उन्होंने बताया कि यहां पे जो एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम जो है, राइट, वहां पे, राइट, एक ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जो एल्यूमिनियम और इंडियम के बीच में बिलोंग करेगी। और आप हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे
तो एल्यूमिनियम के नीचे जो आया था वो था गैलियम। क्या था? गैलियम। अभी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं वो गैलियम था। तो गैलियम की प्रॉपर्टीज जो थी वो ये जो उन्होंने बताया था एटा एल्यूमिनियम से सेम बिलोंग करती थी, यानी कि वो बहुत ही छोटी थे जिसके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ी थी और जिसका नाम एटा एल्यूमिनियम दिया था वो गैलियम से मिलता जुलता था, राइट। और मॉडर्न पीरियड टेबल में एल्यूमिनियम के नीचे आप देखोगे गैलियम, राइट। उसी तरह ये जो एटा सिलिकॉन था तो अभी वो जाना जाता है जर्मेनियम से, राइट। तो वो है जर्मेनियम, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी और एका सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जो थी वो बहुत ही सिमिलर थी, राइट। तो ये हो गया इसका थर्ड एडवांटेज, राइट। दैट मीन्स ही प्रिडिक्ट द पोजिशन फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी कि उन्होंने बताया था कि फ्यूचर में जो ये प्रॉपर्टीज जिसकी एल्यूमिनियम और इसके बीच में है वो सेम एका एल्यूमिनियम की तरह आएगी, सेम एका सिलिकॉन की तरह आएगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड मैरिज। बात करते हैं चौथे इसके एडवांटेज की, राइट। द फोर्थ एडवांटेज की, दैट इज गोल्ड इज हैवियर देन प्लेटिनम। क्या बताया कि गोल्ड जो है वो प्लेटिनम से हैवियर है, राइट। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो उन्होंने क्या बताया, देखो प्लेटिनम जो है हमारा 8 ग्रुप में है, ये भी पीरियड तो 6 है लेकिन ग्रुप नंबर 1 में है, राइट। तो उन्होंने क्या किया था, जो भी ग्रुपिंग किया था उसमें लोअर जो एलिमेंट थे उनको पहले रखा और जो हैवियर थे उनको बाद में रखा। और हम जानते हैं कि बहुत ही डिफरेंस है गोल्ड और प्लेटिनम के बीच में। आज भी आप बाजार में लेने जाते हो प्लेटिनम इज कॉस्टलियर देन गोल्ड, राइट। तो उसका एक रीजन ये था कि जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने अरेंज कैसे किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होगा वो गोल्ड का काम होगा एज कंपेयर टू प्लेटिनम, वो ग्रुपिंग उन्होंने बनाया था। तो ये था डी मैरिट। आप इसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, राइट। जो आप लिखना है आप लिख सकते हो। तो उनका जो पहला डी मैरिट था कि उन्होंने क्या किया था, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे सब ग्रुप बना है ए और बी, ए और बी, ए और बी, राइट। तो उन्होंने जो ग्रुपिंग किया था वो बिल्कुल सही थे, लेकिन उन्होंने एक मिस्टेक कर दी, राइट। क्या मिस्टेक कर दी कि जिसकी सिमिलारिटी मिलती नहीं थी उनको एक ग्रुप में कर दिया, यानी कि दो ग्रुप जिसमें दो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लो कि कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, सिल्वर, सीजियम और गोल्ड, राइट। तो यहां पे क्या किया, ऐसे एलिमेंट की ग्रुपिंग कर दी जिसके बीच में सिमिलरिटी नहीं है। तो फर्स्ट उसकी डिमेरिट क्या हो गई कि ग्रुपिंग ऑफ दी सिमिलरिटीज ऑफ एलिमेंट। तो आप यहां पे एग्जांपल क्या देख सकते हो कि जैसे आप देखो पोटेशियम और कॉपर, कॉपर मेटल है पोटेशियम तो क्या होगा उसके लिए, लेकिन वो लाइटर मेटल है, वो हैवियर होगा पोटेशियम से कंपेरिजन में। तो ऐसे डी सिमिलरिटीज जिसकी थी उनको एक ग्रुप में रख दिया, उनकी पहली डिमेरिट हो गई, राइट। समझ में आए ये पॉइंट सबको, यस और नो? पॉइंट समझ में आ रहा है? आप देखो यहाँ पे पोटेशियम को कॉपर के साथ, रूबिडियम को सिल्वर के साथ, सीजियम को गोल्ड के साथ, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज, ये दोनों जो एलिमेंट है हमारे उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ही डिसिमिलैरिटीज थी, राइट। क्या था कि उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमें मिलनी चाहिए वो दोनों डिफरेंट थी, राइट। तो ये पहला उनका डिमेरिट है कि ग्रुपिंग ऑफ डी सिमिलरिटीज ऑफ एलिमेंट। एग्जांपल के तौर पे दूसरा भी आप लिख सकते हैं, देखो कैल्शियम के साथ जिंक को रख दिया, स्लोनसन के साथ कैडमियम को, बेरियम के साथ मर्क्यूरी को। तो ये दोनों जो है बहुत ही डिफरेंट है, राइट। और पहला क्या था, डी सिमिलरिटी। दूसरे में उन्होंने क्या किया, जिसकी प्रॉपर्टीज सेम थी, यानी कि दोज एलिमेंट विच हैव सिमिलर टू मच सिमिलरिटीज बिटवीन देम उनको सेपरेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम को 8 ग्रुप में रख दिया और गोल्ड को फर्स्ट ग्रुप में रख दिया, यानी कि जिसको ग्रुप करना था उसको सेपरेट कर दिया और जिसको सेपरेट रखना था उसको ग्रुप कर दिया। दूसरा मेरी डिसएडवांटेज क्या होगा कि द एलिमेंट विच हैव सेम प्रॉपर्टीज which was separated, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक ग्रुप में रखना था उनको अलग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम एंड गोल्ड,
इट बिलोंग टू द सेम काइंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनको एक ग्रुप में रखने की वजह से रखना चाहिए था, बट उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया, तो ये हो गया उसका सेकंड डिसएडवांटेज। उन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एलिमेंट का ग्रुप चेंज होता जाएगा, लेकिन जब आइसोटोप की हम बात करें तो आइसोटोप क्या होता है हमारा कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो पहला जो है हाइड्रोजन उसके अंदर जीरो राइट प्रोटियम, फिर 1H2 और 1H3 ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो अगर ऐसा कुछ होता तो क्या हम हाइड्रोजन को तीन ग्रुप में डिवाइड कर दें? अगर आइसोटॉप के लिए वो बताते कि भाई एटॉमिक मास से हो रहा है राइट, तो ये इंक्रीज जो हो रहा है एटॉमिक मास से हो रहा है, तो पहला जो हमारा एटम है हाइड्रोजन है, उसका दूसरा आइसोटॉप से ड्यूटेरियम है, तीसरा है ट्रिटियम। तो क्या ये कर पाते कि हाइड्रोजन को पहले नंबर पे रखते, इसकी इफेक्ट तो हमें हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में भी रख सकते थे, प्रोटियम को दूसरा आइसोटॉप से दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में ऐसे रख सकते थे राइट। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि ऑल द आइसोटॉप्स हैव द डिफरेंट पोजीशन, तो पीरियोडिक टेबल कहां गए राइट। तो यहां पे वो फेल हो गए कि ही डज नॉट डिसाइड द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, उन्होंने आइसोटॉप की पोजीशन का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। अंडरस्टूड कि आइसोटॉप की पोजीशन वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे राइट। अभी भी आप देखते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की प्लेस जो है वो फिक्स नहीं है राइट, लेकिन यहां पे उन्होंने हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन दे दिया राइट कि फर्स्ट ग्रुप में ही आएगा। बस उनकी ही रूल जो था, उनका ही जो रूल था कि भाई एटॉमिक मास से वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है राइट। तो इसके हिसाब से तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम को अलग अलग ग्रुप में होना चाहिए, तो यहां पे वो फेल हो गए राइट। तो ये हो गया उसका तीसरा डिसएडवांटेज। फोर्थ है ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन तो हमारा नॉन मेटल है, वो मेटल की जगह पे क्या कर रहा है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज फिक्स इन द ग्रुप नंबर वन, बट ग्रुप नंबर वन इज बिलोंग टू द मेटल। व्हाट माय पॉइंट, यस और नो? कि ये मेटल की जो ग्रुप है उसमें क्या कर रहा है? वो तो नॉन मेटल है राइट। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज ये भी था। चौथा कि हाइड्रोजन की पोजीशन उन्होंने फिक्स कर दी कि भाई ग्रुप वन में आएगा राइट। और जो लास्ट वन है कि एनामोलस पेयर उन्होंने बनाई कि इट डज नॉट फॉलो इट्स एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एक ऐसी पेयर बना दी उन्होंने जिसका एटॉमिक मास जो है बड़ा है फिर भी छोटे से पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो यहां पे देख लो एफी कोबाल्ट एंड निकल राइट। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है विच इज हैवियर देन निकल, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो निकल से ज्यादा है, यानी कि उन्होंने बताया थे कि ऑल द एलिमेंट्स आर करंट इन अ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर, बट हियर यू कैन से एफी के बाद निकल तो होना चाहिए। अगर उन्होंने बताया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो निकल का एटॉमिक मास जो है कोबाल्ट से कम होता है राइट। तो यहां पे उन्होंने पहले कोबाल्ट को रखा बाद में निकल को रखा, यानी कि उन्होंने अपना ही रूल को फॉलो नहीं किया। मैंने जो बनाया मेरे जो रूल था मैंने ही नहीं फॉलो किया। तो यहां पे भी मेंडली ने यही किया कि उनका जो रूल था वो ही फॉलो करना भूल गया राइट। तो ये एक उसकी डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं। सेम थिंग हम टेलोरियम और आयोडीन में भी देख सकते हैं, ये दोनों में भी यही चीजें हुई है राइट। तो यहां पे फिनिश होता है डीमेरिट that means disadvantage of Mendeleev periodic classification। तो सबको Mendeleev का टेबल समझ में आ गया yes or no? आपको सिर्फ इसके advantages and disadvantages याद रखने हैं, या फिर आप इसे merits और demerits। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज होता है सर advantages और merits के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो दोनों सेम चीज ही है, advantage and merit आप कोई कुछ भी बोलो। Got my point? ओके चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम क्लास में, हम देखेंगे ऑन मेटल्स की, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा राइट। तो आई राइट, बाय बाय एवरीवन।